जयकारा माँ शेरावाली दरबार समिति कोटावाला मोहल्ला ग्वालियर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ शेरावाली का दरबार लगाया गया। यह आयोजन नवरात्रि के प्रथम दिन से आरंभ होकर कन्या भोज के साथ नवरात्रि के अंतिम दिन समाप्त होगा। इस अवसर पर अष्टमी के दिन 56 भोग भी माता को लगाए गए, जिसमें ब्रजमोहन देवाकर, विजय देवाकर, क्षेत्रीय नागरिक सहित बड़ी संख्या में यहाँ के लोग मौजूद रहे और इस अवसर पर पूर्व पार्षद गुड्डू तोमर भी मौजूद रहे, जिन्होंने माता की आरती में भाग लिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए युवा नेता विजय दिवाकर ने कहा कि माता के आशीर्वाद से क्षेत्र में खुशहाली है और माता से कामना है कि आगे भी सभी लोगों की खुशहाली बनी रहे। माता के दरबार को लगते हुए 31 से साल हो चुके हैं और भविष्य में भी यह दरबार यूं ही अनवरत चलता रहेगा। माता की कृपा सभी पर बनी रहे। देखिए खबर हर पल के लिए हमारे संवाददाता की खबर। क्या नाम है आपका? विजय दिवाकर। विजय जी, आज क्या आयोजन किया गया था? प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जयकारा शेरावाली दरबार समिति कोटावाला मोहल्ले में मैं और मेरे पूरे परिवार के द्वारा महाआरती और 56 भोग का वितरण आज अष्टमी के दिन किया गया। कब से, कितने सालों से यहाँ पे माता बैठ रही हैं? ये आज लगभग 31 साल समथिंग हो गई है माता को यहाँ लगते हुए। जब से मैंने होश संभाला तब से तो मैं देख ही रहा हूँ और मेरे परिवार का इसमें महत्वपूर्ण सहयोग रहता है और क्षेत्रवासियों का, मोहल्ले का, सबका, श्रद्धालुओं का, यहाँ के कार्यकर्ता का, सबका बहुत माता के प्रति ज़्यादा आस्था है, तो वो सब मिलकर हम सब करते हैं। कन्या भोज का आयोजन कब किया गया है? कन्या भोज का आयोजन सुबह है और उसके तुरंत बाद भंडारा है, विशाल भंडारा कल नौमी को। माता से क्या कामना करते हैं आप? नवरात्रि चल रही हैं, सभी क्षेत्र एवं प्रदेशवासियों को मैं यही कामना करता हूँ कि माँ उनको खुशहाल रखे, उनके जीवन में सुख समृद्धि लाए।